जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। तो आप सबकी डिमांड पर आ गया हूँ मोंटेरा के शोरूम में और आज का रिव्यू बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाला है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो मोंटेरा का इलेक्ट्रिक ऑटो। तो सारी चीजें बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में, इसका प्राइस, माइलेज, इंजन, एवरीथिंग अबाउट दिस व्हीकल। तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बनाकर लाता रहता हूँ दोस्तों। तो आज क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है इसमें और क्या सब्सिडी है क्या है दोस्तों, तो सारी चीजें बताने वाला हूँ। और इसमें बेस्ट ऑफर चल रहा है 3 दिन का दोस्तों, 3 दिन ही है वो ऑफर इस ऑटो के ऊपर में, उसके बाद में ये बंद हो जाएगा। और ये वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक ऑटो है क्योंकि इसका जो रेंज है वो भी बहुत हाई रेंज है दोस्तों। तो सारी चीजें बताऊंगा आपको एक एक करके दोस्तों, तो वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा। और ऐसे ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से बिना किसी देरी के आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, तो आप सबकी डिमांड पर आ गया हूँ मोंटेरा के शोरूम में और ये देख सकते हो मोंटेरा की तरफ से आने वाला इलेक्ट्रिक ऑटो। तो इस पे 3 दिन का बेस्ट ऑफर चल रहा है दोस्तों, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका प्राइस, माइलेज, इंजन और क्या क्या ऑफर चल रहा है इस गाड़ी के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा दोस्तों। तो ऐसे ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी अपने पास में कितने ऑटो है आप देख सकते हो, 1, 2 उसके बाद में 3 और 4 ऑटो अपने पास में अभी अवेलेबल है। और मोंटेरा का लोगो आप देख सकते हो, यहाँ पे डिलीवरी वगैरह होती है। तो सारी चीज़ें बताऊंगा, इसका प्राइस कितना रहने वाला है, इसकी रेंज कितनी है और इसकी बैटरी पावर कितनी है दोस्तों, एक एक करके आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और कितनी EMI आपको देनी पड़ेगी इस ऑटो को खरीदने के लिए और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो फ्रंट से ही शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रंट में आप देख सकते हो बड़ा सा आपको ग्लास मिल जाएगा, एकदम कार का जैसा ग्लास आपको देखने के लिए मिलेगा। जो नॉर्मल ऑटो आते हैं उसमें छोटा ग्लास होता है, बट इसमें काफ़ी बड़ा और बल्कि आपको इसमें ये देखने के लिए मिलेगा, ये आप देख सकते हो ग्लास। और जो रैन वाइजर है दोस्तों उसका भी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी बड़ा आपको रैन वाइजर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने बड़े बड़े से ORVMs देखने के लिए मिल जाएंगे, 2, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 ORVM आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और विजिबिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि जो ग्लास है वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी शानदार है दोस्तों। और उसके नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोंटेरा का लोगो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और लोगो भी काफ़ी क्लासिक और काफ़ी शानदार है दोस्तों। और जो ये बॉडी है पूरी फाइबर बॉडी है और ये जो बॉडी है ये पूरी मेटल बॉडी है दोस्तों। और यहाँ पर आप देखोगे तो अपने लैंप देखने के लिए मिल जाएंगे आपको, बड़ा सा लैंप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और उसके अंदर आपको हैलोजन भी देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर आपको ये नीचे जो दिख रहा है ये आपका इंडिकेटर हो जाएगा, लेफ्ट राइट का इंडिकेटर। तो 2 इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, लेफ्ट राइट का इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके नीचे में आप आओगे तो यहाँ पर आपको अपना नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप इजीली अपने नंबर प्लेट वगैरह लगा सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी इंडिकेटर ऑन कर दिए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये इंडिकेटर दोस्तों हैजार्ड लाइट का भी काम करेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अपने सस्पेंशन चॉकर देखने के लिए मिल जाएंगे, डबल सस्पेंशन चॉकर के साथ में ये ऑटो आता है। और अंदर में आपको अपना हॉर्न भी देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो ये मरघाट है दोस्तों, ये हार्ड प्लास्टिक का मरघाट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आपको अपना टायर देखने के लिए मिल जाएगा, जो टायर का क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया और शानदार लग रहा है दोस्तों। 12 इंच का आपको इसमें टायर देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो 12, ठीक है, 12 इंच का ओरिजिनल MRF का टायर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो MRF की बैचिंग। तो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी शानदार ये इलेक्ट्रिक ऑटो है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो ये आ गया हूँ मैं अभी लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड से कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। और ये जो मोंटेरा कंपनी है दोस्तों, माउंटेन को रिप्रेजेंट करती है, पहाड़ों को, स्ट्रांगनेस को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माउंटेन भी बने हुए हैं फ्रंट में। और इसके सबसे खास बात क्या है दोस्तों इस ऑटो की, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो स्पेस आपको मिलेगा ना, एकदम मतलब भर भर के आपको स्पेस दिया गया। आप देख सकते हो जो ड्राइवर रहेगा उसको कितना स्पेस मिलेगा, कितना लेग स्पेस मिलेगा और सीट कितनी बड़ी दी गई है। और उसके बाद में जो पैसेंजर बैठेंगे, आप यहां से देखिए दोस्तों, जो पैसेंजर बैठेंगे उनके लिए कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा ये आप देख सकते हो। और पीछे का कुछ ऐसा व्यू रहेगा और मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से देखो दोस्तों कितना स्पेस आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, भर भर के आपको स्पेस देखने के लिए मिलेगा। मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अभी मैं आ गया हूँ उसके अंदर में,
मोंटेरा की इलेक्ट्रिक ऑटो के अंदर में ये आप देख सकते हो कितना स्पेस आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और अभी लगभग मेरी हाइट 6 फीट के आसपास है दोस्तों, और इतना स्पेस आपको लगभग इसमें देखने के लिए मिलेगा, और भी इतना गैप बच रहा है। तो आप रेलवे स्टेशन या फिर कहीं पर भी आप जा रहे हो तो आप अपने बैग वगैरह भी रख सकते हैं, और आराम से इसमें कंफर्टेबली 4 लोग आप आराम से बैठ सकते हो दोस्तों। 1, 2, 3 और 4 चार लोग आप आराम से बैठ सकते हो। एज पर RTO इसमें आपको 4 लोगों का परमिशन मिलेगा दोस्तों, और उससे ज़्यादा भी आप लोग बिठा सकते हो। वैसे अगर देखा जाए तो इस टेम्पो में 5 से 6 लोग भी आराम से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं दोस्तों। और स्पेस की बात करूँ और जो हेडरेस्ट है उसमें आप देखेंगे तो हेडरेस्ट भी आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा, इतना हेडरेस्ट मिल जाएगा। तो मतलब इसको इस ऑटो के अंदर दोस्तों आपको कार वाले मजे मिलेंगे, इनोवा की तरह फील आएगा, और हवा चारों तरफ से आती रहेगी क्योंकि चारों तरफ से खुला है ही है, और मतलब कमाई भी अच्छी होने वाली है इस ऑटो से आपकी, क्योंकि इसका जो रेंज है बहुत हाई रेंज है दोस्तों, और मतलब कि आपको 50 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से ये पड़ने वाला है, इतना आपको ये सस्ता पड़ेगा। क्योंकि 50 पैसा पर किलोमीटर मतलब 1 रुपये में आप 2 किलोमीटर जा सकते हो, 1 रुपये के अंदर 2 किलोमीटर जा सकते हो, तो पेट्रोल और CNG से कितना प्रॉफिट होगा आपको, कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। पेट्रोल भी इसका कंपैरिजन नहीं कर सकता, CNG भी इसका कंपैरिजन नहीं कर सकता, और LPG भी इसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता दोस्तों, इतनी आपकी कमाई होने वाली है। और एक बार अगर आप इसको फुल चार्ज कर लोगे तो आप 160 किलोमीटर जा सकते हो इस ऑटो के साथ में, और अप हिल डाउन हिल में भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने जो जिन्होंने एक ऑटो खरीदा है उनसे भी बात की है 4-5 लोगों से, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कस्टमर रिव्यू चाहिए दोस्तों, ऑनरशिप रिव्यू चाहिए इस गाड़ी का, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसका ऑनरशिप रिव्यू भी लेके आ जाऊंगा, क्योंकि अपने पास बहुत सारे ऑनर है इस ऑटो के। और आप सब लोग पूछते हो कि इंडिया में इसकी कहाँ कहाँ ब्रांच है दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, इंडिया में इसकी 8 से 10 जगह ब्रांचें हैं मेन, बेंगलोर के अंदर 2 ब्रांच है, उसके बाद में अपना जो तिरुपति है वहाँ पे इसका एक ब्रांच है, वो लास्ट वीडियो आप जाकर देख लेना, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है इंडिया में कहाँ कहाँ पे मोंटेरा की ब्रांचेज हैं, और अभी अपने राजस्थान में भी इसकी ब्रांच ओपन होने वाली है जयपुर में दोस्तों, ठीक है। तो उसका भी जैसे ही ओपनिंग होगी, ब्रांड ओपनिंग होगी और जैसे शोरूम बनेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो अपडेट आपको सबसे पहले मिले इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए, तभी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप अपडेट रह पाएंगे दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाना। और अब इसकी बात कर लेते हैं अंदर से, थोड़ा अंदर से दिखाइए सर उधर से, ये देख सकते हो दोस्तों, जैसे अभी मैं अकेला बैठा हूँ तो आराम से एकदम बैठा हूँ, और आराम से मैं कंफर्टेबली अगर आराम से मजे से बैठे 3 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं एकदम फ्री माइंड, कुछ टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, और एडजस्ट करके आप 4 लोग भी बिठा सकते हो, ठीक है, इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो बॉडी है पूरी दोस्तों मेटल बॉडी है, पूरी स्ट्रांग है, कोई दिक्कत आपको होने वाली है नहीं, इधर से भी दिखा दीजिए तो ये देख सकते हो। और जो ड्राइवर को सीट दी गई है एकदम कैप्टन सीट की तरह सीट दी गई है दोस्तों, और काफ़ी बढ़िया आपको लेग स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा, इधर आप इतना सामान रख सकते हो, ये देख सकते हो, इधर दिखाइए थोड़ा, यहाँ पे इतना सामान वगैरह रख सकते हो और कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, और अंदर से काफ़ी बढ़िया बॉडी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अब मैं बाहर आ जाता हूँ, तो ये सामने से कुछ ऐसा रहने वाला है दोस्तों इसका व्यू, ये आप देख सकते हो पूरा, और बैक साइड से भी दिखा देता हूँ मैं, बैक से कैसा रहेगा, ये फ्रंट का कुछ ऐसा रहेगा और राइट साइड से कुछ ऐसा रहेगा, इधर आ जाइए कैमरा मैन सर, पीछे से दिखाते हैं, तो पीछे से कुछ ऐसा व्यू रहने वाला है दोस्तों इसका, यहाँ से इसको ऊपर कर लेते हैं, और पीछे में आप अपना बहुत सारे बैग, लगेज बैग वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हो। यहाँ से मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको दोनों साइड से, ये देख सकते हो, तो इतना स्पेस आपको यहाँ पर इसमें देखने के लिए मिलेगा, और 10 किलोवाट की बैटरी इसके अंदर दी गई है दोस्तों, और यहाँ पे इसको फिक्स किया गया है, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते, लिथियम आयन बैटरी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी, वो भी 10 किलोवाट की बैटरी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त बैटरी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3 बड़े बड़े लगेज बैग आपके इजीली आ सकते हैं, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे गए हो सवारी को लेने के लिए, तो सवारी भी खुश हो जाएगी दोस्तों क्योंकि इतना स्पेस है, क्योंकि हम लोग गांव से आते हैं तो 4-5 बैग इजीली लेके आते हैं अपने गांव से, खाना पीना राशन वाशन जो भी है चीज़ें अपन लेके आते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर में आ जाएगी। और उसके बाद में यहाँ से इसको क्या करना है आपको, सीधा सा बंद कर देना, ये बंद हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की ब्रांडिंग मोंटेरा इलेक्ट्रिक की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ पे आप देखोगे तो इसका मॉडल नाम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा EPV
2.0 इसका मॉडल नाम है दोस्तों, और इसमें आपको देख सकते हो एलईडी लाइट दी गई है दोस्तों, और किसी ऑटो में आपको एलईडी लाइट नहीं मिलेगी। और जब आप रिवर्स गियर इसमें डालोगे तब भी ये लाइट ऑन हो जाती है दोस्तों, और बीप का साउंड भी आएगा, और बहुत ही बेहतरीन और प्यारा लगा मुझे ये ऑटो, क्योंकि इसके अंदर में बहुत बढ़िया स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और जो इसकी मेटल की बॉडी है दोस्तों, फाइबर की तो फ्रंट में थोड़ा मरगाड़ वगैरह दिया गया है, बाकी ये जो बॉडी है पूरी मेटल की बॉडी इसमें दी गई है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप अपना नंबर प्लेट लगा सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपका अपना नंबर प्लेट आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना रेडियम, कंपनी फिटेड रेडियम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और जो बारिश वारिश के बचाव के लिए यहाँ पे आपको ऐसा ये कवर भी देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ से आप इजीली इसको ऐसे लगा सकते हो। जो थार आती है थार भी ऐसे मॉडल आते हैं जिसमें ऐसा कवर आता है दोस्तों, तो वैसा ही कवर इसमें दिया गया है, ये आप देख सकते हो। और ऊपर में आप देखोगे तो ऊपर में भी काफ़ी बढ़िया इसमें ये मिल जाता है आपको कवर किया हुआ सारी चीज़ें। और ये जो है दोस्तों यहाँ से भी आप कवर करवा सकते हो, जैसे बारिश वारिश आ रही है तो यहाँ पे आपको ये दिया गया है, और यहाँ पे आप ये लगवा सकते हो ताकि बारिश का पानी अंदर ना जाए। और ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया और प्यारा मुझे ये लगा इलेक्ट्रिक ऑटो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अब सबसे इम्पोर्टेंट आप चीज़ पूछोगे इसका चार्जर कहाँ पे है और चार्जर कैसे करना है चार्जिंग वगैरह, तो वो सारी चीज़ें भी मैं बता देता हूँ। तो इसका जो चार्जर रहने वाला है दोस्तों, ऐसा कुछ चार्जर रहेगा, ये यहाँ पे दिया गया है चार्जर, यहाँ पे बॉक्स में है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे कुछ ऐसा चार्जर आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, ये देख सकते हो, यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हो आप इजीली, ये देख सकते हो, और ये देख सकते हो यहाँ से ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से ये देख सकते हो ऐसा कुछ चार्जर रहेगा दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी का चार्जर है ये, और काफ़ी बढ़िया इसमें आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, और काफ़ी हैवी है दोस्तों ये भी, यहाँ पे आप देख सकते हो मोंटेरा की तरफ से आने वाला चार्जर है ये, इजीली मैं लगा के भी दिखाता हूँ दोस्तों आपको। दोस्तों अब मैं आपको इसकी चार्जिंग के बारे में बताता हूँ, इस इलेक्ट्रिक ऑटो के चार्जिंग के बारे में, तो ये देख सकते हो कुछ ऐसा चार्जर रहेगा इसका पावरफुल, और उसके बाद में यहाँ पर ये चार्ज में लगेगा दोस्तों, यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, डिस्कनेक्ट कर सकते हो, ये देख सकते हो, तो कुछ ऐसा चार्जर रहेगा इसका, ठीक है। तो अब मैं लगा के दिखाता हूँ आपको इसमें अंदर में, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इजीली इसको यहाँ से कनेक्ट कर देना है दोस्तों, ये हाँ। कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली इसको चार्ज कर सकते हो। उसके बाद में आ जाइए कैमरा मैन से, उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसा इसका ये रहने वाला है, और जो पल्क रहेगा यहाँ पे आप इजीली इसको लगा सकते हो, किस कहीं पे भी आपका जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ये है व्यवस्था, वहाँ पे जाके आप इजीली लगा दीजिए और ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, इस जगह में यहाँ पे ये दिया गया है, तो यहाँ से ये हो गया है चार्जिंग स्टार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आइए कैमरा मैन सर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइट जल रही है, ऑरेंज कलर की एक लाइट जल रही है, इसका मतलब ये अभी चार्ज हो रहा है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में फैन चालू हो गया, और फैन चालू हो गया दोस्तों आप देख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर भी आप कनेक्ट हो गया है और चार्जिंग हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, सारी चीजें एक बार चाबी ऑन करके आप एक बार यहाँ पे मैं आपको चाबी ऑन करके भी दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफ कर दो, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफ कर, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों इसके अंदर में आपको 12 वॉट का चार्जर भी देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको अपनी हैजार्ड लाइट देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे आप अपना कैश वगैरह भी रख सकते हो, ये दूसरी चाबी से ओपन होगा, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप अपनी दिन भर की जो कमाई है वो यहाँ पे आप स्टोर करके रख सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, कैश वगैरह यहाँ पे आप रख सकते हो। और इसके अंदर में कौन कौन से मोड मिलेंगे वो भी मैं आपको देख बता देता हूँ दोस्तों, तो कुछ हैंडल ऐसा रहने वाला है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा पास से दिखाइए कैमरा मैन सर, ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हो ये कुछ हैंडल ऐसा रहेगा, और यहाँ पे इस पे भी आपको मोंटेरा की बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको अपना हॉर्न देखने के लिए मिल जाएगा। उस साइड से आइए एक बार, इसके सारे मोड भी दिखा देता हूँ मैं अपने कस्टमर को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अपने सारे मोड देखने के लिए मिल जाएंगे, जो पार्किंग असिस्ट है वो भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, पार्किंग असिस्ट, और उसके बाद में नेचुरल, फिर इको, फिर ड्राइव और फिर पावर, तो टोटल इसके अंदर आपको 5 मोड देखने के लिए मिलेंगे, इतने मोड तो आपको गाड़ी में भी नहीं मिलते हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5 मोड आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो कुछ चाबी रहने वाली है दोस्तों, चाबी कुछ ऐसी रहेगी मोंटेरा की, ये देख सकते हो, और इसके ऊपर भी आपको मोंटेरा का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको इजीली चाबी लगानी है,
यहाँ से ऐसे चाबी लगा के आप इसको ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो चार्ज हो रहा है ये ऑटो, तो ये चार्जिंग का भी ये दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देख सकते हो चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चार्जिंग का पॉइंट यहाँ पे आपको दिखा रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सारी चीज़ें दिखाएगा, रेंज कितनी मिलने वाली है आपको और आपकी स्पीड कितनी है, टाइमिंग क्या है, ट्रिप वगैरह सारी चीज़ें आप इसमें सेट कर सकते हो दोस्तों। ये चीज़ मुझे इस ऑटो की बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन लगी दोस्तों। तो अब गाड़ी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं दोस्तों कि इसका प्राइस कितना है, माइलेज कितना है, रेंज कितनी है और आपको इसके ऊपर में कितनी सब्सिडी मिलने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं अब आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो मेरे पास में सारी डिटेल है, यहाँ पर आप देख सकते हो मॉन्टेरा की तरफ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ दोस्तों। अभी हमारे साथ में है मॉन्टेरा इलेक्ट्रिक जो ब्रांड का जो इलेक्ट्रिक ऑटो है, उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव सर हमारे साथ में है। तो ये सर हैं, आपका शुभ नाम सर? सर शिवकुमार। शिवकुमार नाम है भाई का। और ये अब आपको बैटरी के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे, क्या क्या चीजें आपको मिलेगी इसके अंदर में बताइए। ऑटो में तीन बैटरी मोटर कंट्रोलर बोल के तीन आता है सर। यस, तीन को भी तीन ईयर वारंटी देता है हम लोग। अच्छा, तीन साल का वारंटी है? तीन साल का वारंटी देता है। ओके, ये मोटर है सर। ओके, ये बैटरी। यस, ये कंट्रोलर, ये फुल्ली फिटेबल है सर। अच्छा, ओपन नहीं कर सकता है। ये कंट्रोलर बोल के, क्योंकि ये कंट्रोल पूर्ति हो पूरा ये ऑटो रहता है ना सर, वो कभी कभी ऑटो पूरा ब्लास्ट होता है वैसा हो रहा है ना, वो सब अवॉइड करने के लिए। अच्छा, ऑटो में कंट्रोलर बोल के आए सर। अच्छा, उससे बचाने के लिए? उससे बचाने के लिए कंट्रोलर बोल के आए। इसका चार्ज कितना लेना है, कितना नहीं, ये सब पूरा कंट्रोल करता है। कंट्रोल करेगा? कंट्रोल करे। ये है बैटरी है सर, ये बैटरी है क्योंकि वो वाइपर चलाता है और वो की ऑन होता है और हेडलाइट आता है, ये सबका बैटरी है सर वो। ओके ठीक है, उसके बाद में और बताइए सर, और क्या क्या फीचर इसमें देखने के लिए मिलेंगे? सर एक मिनट सर बताऊंगा। तो ये देख सकते हो दोस्तों, मॉन्टेरा की तरफ से आने वाला इलेक्ट्रिक ऑटो बहुत ही प्यारा और प्रीमियम लग रहा है। और क्या क्या फीचर इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे अब सारी चीज़ें बताएंगे आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव सर, क्योंकि इनको बहुत एक्सपीरियंस है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग से लेके, सारी डिटेल्स आपको देंगे ये। यस सर बताइए। सर हमारा बैटरी चार्ज इतना है बोल के इधर ही देखा था, 100 चार्ज है ना अभी, 100% चार्ज, 100% चार्ज, 100% चार्ज है, लेकिन रेंज भी इतना है, ये वो 160 रेंज जाता है इधर, बैटरी का इधर ही दिखाता है, अब रेंज भी इधर ही दिखाता है हमको। ओके, लेकिन घबराने का बात नहीं है क्योंकि हम लोग जाता है ना, अभी बैटरी इतना ही बचा है, कितना किलोमीटर चलेगा उतना, हमारे घबराने का कोई भी बात नहीं है सर, इधर बताता है रेंज और हाँ सर, ये हमारा थर्मामीटर रहता है ना, इसमें क्या हीट होता है तो गाड़ी वो सबका इधर ही बताता है, एक हीटर होता है सर वो इसको बताता है, अभी इधर दिखा देगा आपका, इधर किलोमीटर सब बताएगा, इधर टाइम बताएगा, सब भी इधर ही मिलेगा सर आपको, आप गाड़ी कितना भगा होगे, कितना रेंज देता, कितना माइलेज होगा, पूरा इधर ही मिलेगा सर। सर इसमें रिवर्स गियर, ये फ्रंट वाला है, अब इसमें रिवर्स डाला तो रिवर्स में एलईडी मिलेगा सर। ओके, अभी फ्रंट में है ना, अभी रिवर्स डाला तो एलईडी मिलेगा इसमें पीछे वाले में। इधर पार्किंग, ये पार्किंग ब्रेक हैंड ब्रेक है सर, ये हैंड ब्रेक उठा दिया तो गाड़ी 10 लोग आगे पीछे खिंचाए तो भी नहीं हिला सकते। अच्छा, आगे पीछे नहीं होगा, नहीं हिलाएगा वो। तीनों ब्रेक को, तीनों टायर को ब्रेक होगा इससे। अच्छा, ये सेंसिबल ब्रेक है सर, सेंसिबल, हाँ सेंसिबल ब्रेक है, ये हटा के थोड़ा इतना भी टच करे तो हमारा गाड़ी मूव नहीं होता सर। अच्छा, गाड़ी नहीं मूव होता, सेंसिबल ब्रेक है, सेंसिबल ब्रेक है, डबल सेफ्टी है मतलब, डबल सेफ्टी है। ओके, उसके बाद में और क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगी इसकी, और बैटरी की वारंटी वगैरह क्या है सर, आप बताइए सर। सर बैटरी वारंटी हमको 3 ईयर देते हैं, हमको बैटरी वारंटी वगैरह 3 ईयर बैटरी वारंटी है। अभी आपको एक्स्ट्रा चाहे तो भी उसको एक्स्ट्रा आप कर सकते हो, अभी तीन ईयर का तो हम लोग दे रहे हैं सर इसका वारंटी हम लोग 3 ईयर का दे रहे हैं सर। Okay. चार्जर का 1 ईयर वारंटी रहता, ये चार्जर है ना सर, चार्जर का 1 ईयर वारंटी रहता। और सर और कुछ बताना चाहेंगे सर, और कुछ डिटेल्स? सर हमारा एक्स्ट्रा फिटिंग तो रहता है, सेंटर मैट रहता है, विकी मैट रहता है, ट्राइजर मैट रहता है, वो सब एक्स्ट्रा फिटिंग में आपको आ जाएगा। इधर का डोर आता है, ये कवर रहता है ना, कवर रहता है, कवर आता है। अब इसको हम गाड़ी के साथ में क्या दे रहे हैं, एक स्टेपनी दे रहे हैं सर, स्टेपनी दे रहा है। ओरिजिनल MRF का टायर आपको गाड़ी के साथ मिल जाएगा दोस्तों, ये देख सकते हो आप, ठीक है।
और उसके बाद में मिलेगा, मीटर आएगा सर, मीटर, हाँ मीटर, मीटर आएगा और टूल किट रहेगा, टूल किट रहेगा और चार्जिंग भी देगा सर, हम लोग 4 एकड़ गाड़ी के साथ फ्री देगा सर आपको, कुछ भी पैसा नहीं ले रहा। अच्छा, और इसका सर्विसिंग का क्या सीन तो रहेगा? सर्विसिंग का तो तीन सर्विस हम ही फ्री देते हैं सर, तीन सर्विस हम ही फ्री देते हैं, एक सर्विस रहता है 3,000 का, दूसरा सर्विस है 6,000 का, तीसरा सर्विस है 10,000 का सर, तीन सर्विस हम कंपनी की तरफ से तीन सर्विस फ्री देगा सर, फ्री रहेगा। इसको मेंटेनेंस तो जीरो मेंटेनेंस सर, जीरो मेंटेनेंस, एक भी रुपया खर्च नहीं करने का, बार बार गैरेज नहीं जाने का, जीरो मेंटेनेंस सर, मेंटेनेंस ही नहीं है गाड़ी को, कुछ टेंशन नहीं है मेंटेनेंस का, कुछ भी नहीं है सर। ठीक दोस्तों, तो अब मैं आपको गाड़ी के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, इसका प्राइस कितना रहेगा, माइलेज कितना रहेगा और कितनी सब्सिडी मिलने वाली है। सबसे पहले भाई का धन्यवाद कर देते हैं क्योंकि इतनी सारी जानकारी दी भाई ने। अब मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या है ना, ये है अपने पास में इसकी ओरिजिनल डिटेल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मोंटेरा का लोगो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और ये ओरिजिनल बिल है मोंटेरा की तरफ से मिलने वाला, जब आप गाड़ी खरीदोगे तो ये बिल आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है ये आप देख सकते हो 4,42,512 इसका एक्स शोरूम प्राइस रहने वाला है बैंगलोर कर्नाटक के अंदर में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में अभी इसके ऊपर में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 77,669 रुपीज की आपको इस पे सब्सिडी मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गई सब्सिडी की बात, और एक्स शोरूम प्राइस जो रहने वाली है इसकी सब्सिडी को माइनस करने के बाद में 3,64,834 रुपीज इसकी एक्स शोरूम प्राइस रहेगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में रोड टैक्स रहने वाला है आपका 1,562 रुपए आपको रोड टैक्स रहेगा, और रोड टैक्स एंड चार्जेस वगैरह जो रहने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 1,000 का रहेगा। इंश्योरेंस जो रहेगा 10,000 का इंश्योरेंस आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, और जो एसेसरीज वगैरह रहेगी वो 4,000 से 5,000 की, 4,000 और 5,000, 9,000 की एसेसरीज आपको इसमें इंक्लूडिंग रहेगी। और टोटल अमाउंट जो रहने वाला है आपका जो आपकी जो सब्सिडी माइनस करने के बाद में 3,85,000 रहेगी दोस्तों, 3,85,419,85,000 में ये आपको ऑन रोड पड़ जाएगा दोस्तों, सारे खर्चे वगैरह निकालने के बाद में 3,85,000 का ये आपको ऑन रोड पड़ जाएगा। और इसकी खास बात मैं बताने वाला हूँ, जो 3 दिन का ऑफर मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों, जो ये 77,000 की जो सब्सिडी आप देख रहे हो, ये 77,000 की सब्सिडी दोस्तों ओनली फॉर 3 दिन के लिए है, उसके बाद में गवर्नमेंट और इसको सब्सिडी को माइनस कर दिया है, इस सब्सिडी को और कम कर दिया है दोस्तों, सब्सिडी घटाकर 25,000 कर दी गई है दोस्तों, और 3 दिन का मौका है बस, अगर 3 दिन में जो ले लेगा उसको 77,000 का बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जो यहाँ के मैनेजर है दोस्तों उनसे मैंने अभी बात की तो उन्होंने मेरे को बताया कि ओनली 3 दिन के लिए ये ऑफर है, उसके बाद में गवर्नमेंट 25 को ये मतलब अपडेट कर देगी, मतलब कि आज कितना हो गया, आज 19 तारीख है दोस्तों, तो मतलब 5 दिन का है आपके पास में समय, लगभग 25 तारीख के बाद में इसकी जो है सब्सिडी वो घटा दी जाएगी दोस्तों, 25,000 कर दिया गया है उसको सब्सिडी को, तो ये बहुत ही मतलब लॉस हो जाएगा दोस्तों, अगर जो अभी ले लेगा वो बहुत बेनिफिट में रहेगा बाद में इसकी सब्सिडी, क्योंकि घटाई जा रही है दोस्तों। तो ये चीज़ मेरे को आपको बतानी थी, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी दोस्तों, और इसकी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, इसका प्राइस बता दिया, इसका माइलेज बता दिया दोस्तों, माइलेज 160 किलोमीटर है इसका, सिटी में आप आराम से चलाओगे तो 160 किलोमीटर तक की आपको रेंज इजीली मिल जाएगी दोस्तों, मतलब ये जो कंपनी है वो दावा कर रही है 160, और जो कस्टमर है उन्होंने भी बताया कि 160 तक की तो ये रेंज प्रोवाइड करवा देता है दोस्तों मोंटेरा की तरफ से आने वाला इलेक्ट्रिक ऑटो। और इससे रिलेटेड अगर और भी आपके कुछ डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट कर पूछ सकते हो, और सेल्स मैनेजर के मैं नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोस्तों। और बहुत आनंद आया दोस्तों आज का रिव्यू कर, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना, और भाई का स्पेशल धन्यवाद जिन्होंने इतनी हमारी मदद की दोस्तों, ठीक है। और ऐसे पावरफुल वीडियो देखने के लिए भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।